हाय गाइस, दिस इज विभोर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार, एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है जो काफ़ी लोग फेस करते हैं जब वो अपने फैट लॉस प्रोग्राम पर होते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। ठीक है, अब देखो ये चीज़ ना दो पार्ट्स में मैं इसको कैटेगराइज करूँगा। एक होता है क्रेविंग, एक होता है हंगर। क्रेविंग का मतलब है आपका कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, कुछ नमकीन खाने का मन कर रहा है, या कुछ कोई स्पाइसी फूड खाने का मन कर रहा है। तो वो वंस इन अ वाइल अगर आप ले रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अगर आपका कभी मन किया और आपने खा लिया तो इसमें कुछ गलत नहीं है, आप उसको खा सकते हैं। अब प्रॉब्लम कब आती है, जब आप सारे दिन आपका मुंह चल रहा है, सारा दिन आपका कुछ ना कुछ खाने का मन कर रहा है और वैसे आपको चाहिए कि मेरा फैट लॉस हो जाए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको अपनी डाइट में ना प्रोटीन, फाइबर, इनकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ानी होगी। जैसे कि अगर आपका, जैसे आपका भूख लगी, आपका खाने का कुछ मन किया, आपको क्या करना है, थोड़े से काले चने ले लो, उसमें थोड़े से सीड्स ऐड कर लो, उसमें नट्स ऐड कर लो। लेकिन इसमें जो नट्स और जो सीड्स हैं उनकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखनी है, क्योंकि ये कैलोरीज को बहुत जल्दी ऊपर ले जाते हैं, तो हमें कैलोरीज का भी ध्यान रखना है। ठीक है, आधी बाउल खा ली, जैसे आपने आधी कटोरी खा ली उसकी चाट बना के, या आपके काले चने जो होते हैं उनको उबाल के उसमें प्याज टमाटर की जो चाट सी बनती है उसको आधा कटोरी आप वो कंज्यूम कर लो जब भूख लगे। पानी ज़्यादा पियो, जब आप पानी ज़्यादा पियोगे तो भी आपकी थोड़ी सी हंगर सप्रेस होगी। आपका स्नैक खाने का मन कर रहा है, भूख लग रही है, तो उस टाइम पर आप ब्लैक कॉफ़ी ले लो, ठीक है, हल्का सा उसमें मिल्क ऐड कर लो, या ग्रीन टी ले लो, उसके साथ एक फ्रूट ले लो, एप्पल ले लो। उसके बाद जो आपकी अगली मील हो ना, उसको आप इतना स्मार्टली तैयार करो कि उसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, ठीक है, और बाकी चीज़ें मॉडरेट लेवल पर हो, जिससे कि आपकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा राइज ना हो। तो इससे क्या होगा, जो आपका फैट लॉस प्रोग्राम आप करना चाह रहे हैं वो भी सक्सेसफुली पूरा होगा। ठीक है, इसमें भी कोई रुकावट नहीं आएगी फैट लॉस के प्रोग्राम में भी। लेकिन वही बात है ना, अगर आप कुछ भी खाते जाएंगे, जंक खाने का मन करा वो खा लिया, बिस्किट्स खाने का मन किया, नमकीन खाने का मन किया आपने वो खा ली, तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है आपकी फैट लॉस प्रोग्राम में। इससे कैलरीज आपको पता नहीं लगेगा लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली जाएंगी और आपका वो फैट लॉस प्रोग्राम भी अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे कमेंट में ज़रूर लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।